effect of catalyst on the rate of reaction. तो catalyst का काम करता है, जैसे हमने अगर ग्राफ प्लॉट करें एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो ग्राफ कैसा आता है, ऐसा ग्राफ. अब यहां से लेके यहां तक व्हाट इज इट, एक्टिवेशन एनर्जी. जितनी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है रेट ऑफ रिएक्शन उतना स्लो होता है, और अगर रेट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कम हो तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है. अब ये कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट के साथ इंटरेक्ट करके, ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, ये है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. ये एक्टिवेशन एनर्जी आई और ये आया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इस, ये है विदाउट कैटलिस्ट. अब जब हम कैटलिस्ट डाल देते हैं उसमें, अभी तक क्या था, जब कैटलिस्ट नहीं था तो इस रिएक्टेंट की जब वो कोलाइड करें तो उनकी एनर्जी यहां पहुंचनी चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट बनाने के काबिल बनता है, तभी वो प्रोडक्ट बना सकता है. रिएक्टेंट को इस पहाड़ के ऊपर जाएगा तो प्रोडक्ट बनाएगा, बट कैटलिस्ट क्या करता है, एक टनल बना देता है. अब आपको पहाड़ के ऊपर जाना डिफिकल्ट है कि टनल से जाना, पहाड़ के ऊपर जाना इट इज डिफिकल्ट टास्क, बट टनल से चले जाओगे तो इजीली पहुंच जाओगे, तो ज्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना पाते हैं. तो ये क्या करता है, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अल्टरनेट पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी. ये काम है कैटलिस्ट का. कैटलिस्ट का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है. ये अगर एंथैल्पी मान ले रिएक्टेंट की और ये एंथैल्पी मान ले प्रोडक्ट की, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट ना तो रिएक्टेंट की एंथैल्पी को चेंज करता है ना प्रोडक्ट की एंथैल्पी को चेंज करता है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स सेम, बट वो एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है जिससे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, लो. और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी लो हो गई, मतलब ए डैश इज एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. और अगर हम कैटलिस्ट बोल रहे हैं तो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट. अगर मैं बोलता हूं नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा. ये एक्टिवेशन एनर्जी थी विदाउट कैटलिस्ट और ये एक्टिवेशन एनर्जी है विद कैटलिस्ट. तो ये क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देगा नेगेटिव कैटलिस्ट. कीप इन माइंड नेगेटिव कैटलिस्ट. बट अगर हम कैटलिस्ट बोलते हैं तो हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट को ही, ओनली कैटलिस्ट वर्ड यूज्ड फॉर पॉजिटिव कैटलिस्ट. अगर नेगेटिव कैटलिस्ट होगा तो हम स्पेशली मेंशन करेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट. तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, इट इंक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी एंड लोअर्स द रेट ऑफ रिएक्शन. तो रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डिक्रीज हो जाता है, और कैटलिस्ट जिसको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं उसकी प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.